फ्रेंड्स, साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से रसीली तीखी चटपटी साबूदाना खिचड़ी। एक बार ट्राई करने के बाद ये खिचड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजोल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एमके काजोल्स किचन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप साबूदाना। साबूदाना आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और आपको जिस क्वांटिटी में बनाना हो आप उतना ले सकते हैं, यानी कि जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाने को वॉश कर लेंगे 2-3 बार अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। लास्ट वाला पानी भी हम फेंक देंगे और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, जिससे कि बहुत ही जल्दी फूल जाएंगे, यानी कि पकने में इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप अगर इसे गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देंगे तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि हम साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं, तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं, इसे साबूदाना बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो जब भी आपको इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी बनानी हो तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में हमारा साबूदाना कितने अच्छे से मैश हो जा रहा है। अब इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज का आलू लिया है, जिसे मैंने छील कर धो लिया है। 2 देसी टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया, कड़ी पत्ता और 2-3 हरी मिर्चें काट कर ले लिए हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब हम घी को अच्छे से हीट हो जाने देंगे। अगर आपने मूंगफली पहले से भुनी हुई नहीं ली है तो आप पहले मूंगफली को भून लीजिए, ताकि आपको अलग से कोई बर्तन यूज करने की जरूरत ना पड़े। मूंगफली भुनने के बाद आपको इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटक जाने देना है। फिर इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाएं, क्योंकि साबूदाना भी लगभग पका हुआ है और सारी चीज़ें भी अच्छे से पक जाएंगी, बट आलू जल्दी से नहीं पकने आते हैं। इसे घी के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, बट आप चाहें तो इसकी जगह उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। और आलू हमारे पक चुके हैं तो अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे घी के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 हरी मिर्चें, इसे मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च आप चाहें तो पहले ऑयल में भी, यानी कि तड़का भी लगा सकते हैं इससे, या ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ ताकि ये खाने में क्रंची लगे। अब इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक, आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, इसे टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे इसलिए मैंने पहले नमक ऐड किया है। अब बारी आती है इसमें करी पत्ता ऐड करने की। तो करी पत्ता मैंने ना जानबूझ के बाद में ऐड किया, क्योंकि ऑयल में हम इसे डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छींटे ऊपर तक आती हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, बट आप चाहें तो इसे ऑयल में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे लगभग गल चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम भुनी हुई मूँगफली, साथ में 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर या फिर 2 पिंच काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही औसम आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम भीगा हुआ साबूदाना। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, इसे ज़्यादा देर पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर देंगे, ताकि सब्जियों का फ्लेवर इसके अंदर तक आ जाए। आप चाहें तो इसे 2 मिनट के लिए ढककर भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, साबूदाना तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे सूखा भी सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ मैं सूखी खिचड़ी खाने के लिए, जिससे कि कम मेहनत में 2 टेस्ट मिल जाएंगे मुझे, और सच में ये बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने हरी धनिया और मूंगफली से थोड़ा सा इसे गार्निश कर दिया है। अब बची हुई साबूदाने में ऐड करेंगे हम 1 ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आप इसमें गुनगुना भी ऐड कर सकते हैं और ठंडा भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे हाई फ्लेम पर हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम कर देंगे लो, और लो फ्लेम पर इसे हम कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया के पत्ते, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप खिचड़ी को हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि धनिया का फ्लेवर इसके अंदर तक बढ़िया से आ जाए। फ्रेंड्स, ये खिचड़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम तीखी चटपटी बनती है। इसे खाने के बाद आपका कुछ और खाने का मन ही नहीं करेगा। व्रत में इसे खाकर एकदम मज़ा आ जाता है, जैसे आप खिचड़ी बनाते हो या फिर तहरी बनाते हो ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट मिलता है, या फिर उससे भी अच्छा बोल सकते हो आप। इसे बनाने के बाद आपको अलग से और कुछ भी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 7 मिनट बाद मैंने गैस ऑफ किया और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो खिचड़ी का लुक आप देख सकते हैं, देखने में ये बहुत यमी लग रही है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी से आप 2 तरह की खिचड़ी बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में इसे बनाने में लगभग 10 मिनट लगे हैं।
सच में एक बार इस तरीके से व्रत वाली खिचड़ी बनाओगे ना तो खाकर मजा ही आ जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स बहुत ही जल्द ऐसी इजी टेस्टी हेल्दी एंड यूनिक रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।